हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद वना जमे। आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, मैं आज एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल सा रेसिपी है, पत्ता गोभी आलू और कद्दू का सब्जी है, जो कि बिना प्याज लहसुन से बना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से बना है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ली हूँ मैं कद्दू और एक मिट्टी का आलू, और एक आलू ले रही हूँ और एक पत्ता गोभी, और जो चना का दाल को मैं भिगो के रखा था उसको भी ले रही हूँ। सारे सब्जी को मैं यहाँ पर काट लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके भी रखा है। मसाले में ले रही हूँ एक बड़ा सा टमाटर, 6-7 सूखा लाल मिर्च, 2 इंच का अदरक और 1 टेबलस्पून जीरा ले रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंडर में फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, आप किसी भी तेल डाल सकते हैं। तो ये सिर्फ फास्टिंग या व्रत में खाने के लिए, तो यहाँ पर मैं डाली हूँ सादा तेल यानी कि रिफाइंड तेल। आप चाहे तो सरसों के तेल भी डाल सकते हैं। तो ये 2 सूखा मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 5 फोरन डाल दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सारे सब्जी को जो कि मैं काट के रखा था। अब इसमें मैं हल्दी और नमक दे के इसको पकाऊंगी। यहाँ पर पानी मत डालिएगा, इसको हमको ढक ढक के पकाना है जब तक इसके अंदर से सारा पानी निकल ना जाए। ये देखिए, मैंने हल्दी और नमक को दे के इसको अच्छे से मिला लूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर ढक के मैं मीडियम फ्लेम में इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी। बीच बीच में इसको पलटते रहूँगी वरना नीचे से लग जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट की मैं दिखा रही हूँ, इसके अंदर से सारा पानी सूख गया है। अब इसी स्टेज में हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 1 ग्लास पानी ले रही हूँ। अब इसको फिर से ढक के और 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि सब्जी हमारा सारा मैश होने लगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। सब्जी हमारा 80% कुक हो चुका है। अब 20% भी हमें इसको पकाना है और 5 मिनट के लिए इसको ढक के भी पकाना है। अगर मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, मैं यहीं पर ढक के और 5 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया था, अब 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। अब सब्जी हमारा मैश होने लगा है। देखिए, ये जो रेसिपी है, ये खड़े खड़े सब्जी अच्छा नहीं लगता है, इसको मैश थोड़ा करने से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको चम्मच के थ्रू इसको मैश कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, मैंने इसको सारा मैश कर लिया है और बिल्कुल इसी तरह के होना चाहिए हमारा सब्जी। अब मैं उसी कढ़ाई में यहाँ पर वही रिफाइंड तेल डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ मैं। जीरा अच्छे से भून जाए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी कलर के लिए। देखिए, अब यहीं पर जो पीस के रखा हुआ सारा पेस्ट को मैं यहीं पर डाल दूंगी। मैंने सारा जो इंग्रेडिएंट्स को, अदरक ये सब को मैंने सिलबट्टे में पीस लिया था। आप चाहे तो ग्राइंडर में पीस लेना, क्योंकि
वो भी अच्छा रहता है, लेकिन सिलबट्टा में पीसने से सब्जी का जो स्वाद होता है वो अच्छा होता है। तो इसको अच्छे से पकाना है, उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर को अच्छे से नरम होने देंगे ताकि उसके अंदर से सारे खट्टापन निकल जाए। तो यहीं पर टमाटर के बाद मैं थोड़ा सा नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि नमक पहले से ही सब्जी में डाला हुआ है। तो यहाँ पर मसाला के लिए मैं नमक ले रही हूँ। ये जो सब्जी है ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। और अभी तो चल रहा है सीजन, मतलब ठंडा का सीजन आ गया है, अभी गोभी खाने में मज़ा ही अलग है। तो देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब डाल देंगे सारे सब्जी को। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कोई में मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल से ही बना है, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी बना था ये सब्जी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। देखिए हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।